नमस्कार स्वागत है आप सभी का मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह और मेरे साथ है मेरे सहयोगी विशाल दहिया सोलवे उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान हुआ है शाम पांच बजे तक जो वक्त है मतदान का वो नियत है और अब से कुछ देर बाद यानी मतदान पूरा होने के बाद मतगणना की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू होने वाली है और कुछ ही घंटों में देश के नए उपराष्ट्रपति के नाम का ऐलान हो जाएगा सुबह दस बजे से आज वोटिंग शुरू हुई और सबसे पहले वोट डालने वालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल रहे गृहमंत्री अमित शाह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साथ ही तमाम बड़े चेहरे वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन जे पी नड्डा तमाम केंद्रीय मंत्री और सांसदों ने मताधिकार का इस्तेमाल आज किया सुबह दस बजे से मतदान के लिए सांसद वोट देते हमें नजर आए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी मतदान किया इसके अलावा वोट डालने वालों में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अलावा तमाम बड़े नेता सांसद मंत्री मौजूद रहे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्षी दलों के कई बड़े नेता भी आज मतदान करने वालों में शामिल रहे मंत्री निर्मला सीतारामन ने भी वोट किया साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर तस्वीरों के जरिए आप तमाम वो चेहरा दे, चेहरे देख पा रहे हैं जो आज अपना वोट डालते नजर आए सुबह दस बजे से मतदान शुरू हुआ और शाम पांच बजे तक का वक्त वोटिंग के लिए नियत है देश का दूसरा शीर्ष संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति का पद और इस पद के लिए पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ और राजस्थान समेत कई प्रदेशों के राज्यपाल रह चुकी मार्गरेट अल्वा आमने सामने हैं जगदीप धनखड़ बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए की तरफ से और मार्गरेट अल्वा विपक्षी दलों की ओर से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं और मतदान खत्म होने के बाद नतीजों का इंतजार है और वोटिंग पूरी होते ही कुछ ही देर में जो काउंटिंग की प्रक्रिया है मतगणना की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी वोट कास्ट बाई में इन दी सिक्सटी वाइस प्रेजिडेंशियल इलेक्शन इन साइड पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स दोलिंग प्रोसेस एज कम टू एन एंड एट द 5 p.m. and now the counting of votes will begin and uh, the result is uh, likely to be announced in the next few hours uh, wherein we'll get to know as to who amongst uh, the two candidates, Jagdeep tankar, the nda nominee and margit alwa, the joint opposition candidate has uh, secured the winning margin there in this particular election. पांच बज चुके हैं और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जो वोटिंग है उसका समय पूरा हो चुका है सुबह दस बजे से मतदान शुरू हुआ शाम पांच बजे तक चला संसद भवन का फर्स्ट फ्लोर प्रथम तल है जहां रूम नंबर सिक्सटी थ्री कमरा नंबर तिरसठ में ये मतदान हुआ और कुछ ही देर में अब मतगणना का काम शुरू होगा और आज ही जो नए उपराष्ट्रपति हैं उनके नाम का ऐलान हो जाएगा वोटों की गिनती के बाद जो संभावना है जो उम्मीद है वो यही है कि सात बजे के बाद किसी भी वक्त हमारे सामने नए उपराष्ट्रपति का नाम उनका ऐलान हो जाएगा एंड वी कीपिंग ऑफ ऑल डेवलपमेंट्स थ्रू आउटिंग प्रोग्रेसिंग पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स वी नाउ बाय अ कलीग कृति मिश्रा फ्रॉम पार्लियामेंट हाउस For more updates on uh, where the process is heading now, if you can go across to uh, Kriti and uh, you know, get to know from her more details on what's happening inside the Parliament House complex Okay Kriti, Kriti can you hear me? Uh, we would uh, like to understand you know the process from here onwards uh, as far as uh, uh, everybody is aware the polling was uh, to come to an end at 5 pm so how many votes have been cast that's one uh, information which uh, our viewers will be interested in and uh, the counting process and how much time it might take uh, well vishal as our viewers know that according to the rule 8 of uh, the rules of presidential and vice presidential elections of uh, 1974 this is the place where the votes are cast for the vice presidential election, and as you know, since morning, since 10 a.m., the voting process begin uh, began uh, for uh, electing the next vice president of India. So, of course, as it is, uh, it is 5 uh, p.m. right now. So, we the voting process has concluded right now, and as we know, the updates from inside the, the ballot boxes are getting sealed, and thereafter, the counting process will begin. And as we've been telling our viewers at around 7, 7.30 or perhaps 8, we'll get the results and we'll get to know who exactly is the next Vice President-elect for India. And as far as the number of votes uh, that have been polled right now, the fair clarity we'll get once the returning officer, who's the Secretary General of the, Rajas, uh, of the Lok Sabha, Mr. Utpal Kumar Singh, he will come and brief us around 7, 7.30. So that's where we'll get the exact figures of the votes polled and of course uh, we'll get a, a greater clarity. Uh, which candidate, whether of the NDA or of the opposition, hold how many votes? Back to you, Vishal. Okay, okay, thank you, Kriti. Uh, stay there for us. Uh, we will we'll come back to you. Uh, you know when uh, uh, the the process of counting gets underway and we get a uh, bit more details. Meanwhile, uh, we are also joined by uh, you know. Uh, esteemed uh, experts on our panel. Let me first introduce them to you, beginning with uh, Mr. Manoj Mishra is here with us, uh, senior journalist. We're also joined by Mr. Ganpati Subramanian, uh, another senior journalist uh, with us. Uh, welcome, both of you gentlemen. I'll, I'll start with you, uh, Mr. Mishra. You know, if you look at the process for the vice presidential election and, and the difference between uh, the way, uh, you know, the electoral college is constituted for the presidential election and for the vice presidential election the process is a bit simpler here but when we are looking at uh, you know the stand which has been taken by various political parties as I was asking our colleague Kriti as well looks like uh, uh, the Tenmu Congress uh, you know abstaining from vote at least 39 uh, votes will not be cast will that be <laughs> वो दूसरे रूप में केवल यहाँ सांसद वोट करते हैं बल्कि नॉमिनेट किए हुए सांसद भी वोट कर रहे हैं और जैसा आपने कहा टीएमसी के उनचालीस सदस्य वोट से बाहर हैं पिछले बार भी जब वेंकैया नायडू जी उपराष्ट्रपति बने थे तब भी अपोजिशन ने जो उम्मीदवार बनाया था उसको ज़्यादा वोट नहीं मिल पाए और आज तो अपोजिशन उससे ज़्यादा बिखरा हुआ है क्योंकि तो इस बार बीजू जनता दल वाई आर एस कांग्रेस ये अपना बहुजन समाज पार्टी और अन्य छोटे छोटे कई दल जो एनडीए के घटक नहीं हैं जी वो भी वोट कर रहे हैं जी जो एनडीए के उम्मीदवार हैं सिर्फ जगदीप धनखड़ इसलिए मुझे लग रहा है फासला बहुत बड़ा है जी कोई चमत्कार हो जाए तभी अन्यथा अभी तक की जो स्थिति है उसमें चुनाव की जो काउंटिंग है वोट की वो केवल एक औपचारिकता जैसी

on uh, the opposition camp and uh, you know uh, the, the ruling side as well definitely the candidate selection of the bjp has been so smart and well researched that the candidate had already won the election now we have to only see what is the margin of victory i have been speaking to uh, many political leaders across uh, party lines and uh, the information that i am able to gather is that mr jagdeep dankar is going to get around 500 votes or more so that means that uh, the opposition candidate will not even get half the number of votes that is the situation today because the congress and its allies they have not been able to put up a very strong fight in this election and the main party in the opposition grouping trinavalu congress which has the numbers he is not voting at all. So, which means, in an indirect way, that is also a boost to the NDA candidate. And he is sure to win. As uh, we have always been uh, saying, there is no doubt that he is going to win. Only the ma victory margin we have to see. From the opposition side, they have been uh, trying many efforts to bring everybody together. Only consolation for them is that uh, the Telangana Rashtriya Samiti in the president election and in the vice president election has uh, strongly joined with the opposition otherwise the opposition is now completely scattered and there is no possibility of any victory in the uh, vice president election same happened in the case of the president election also so therefore this uh, election exposes once again how the opposition is completely divided and the nda enjoys more than comfortable margin of support in both lok sabha and uh, rajya sabha Today, if only the BJP members vote for Mr. Jagdeep Dhamkar, that is enough for him to come uh, to the vice president's post, win this election. Nobody else need vote for him. But at the same time, we have the NDA allies and also many supporting parties which are uh, voting for him. That means he is going to win by a very big margin. Vishal. Bilkul. यानी मार्जिन क्या होगा और जिस तरह से आप लोग बता रहे हैं कि जो रणनीति रही सत्ता पक्ष और विपक्ष की वो क्या संदेश और संकेत लेकर आई है इस पर अब नजरें होंगी मनोज जी क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की हमने बात की और पार्टी ने कहा कि हम अपने आप को दूर रख रहे हैं वोटिंग से लेकिन हम जानते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में कोई विप नहीं होता तो क्या हम हम माने कि हो सकता है कुछ ऐसा भी निकल कर आ जाए कि टीएमसी के सांसद वोट करने पहुंचे अभी उम्मीद ऐसी कम है जैसे हम लोग वर्षों से राजनीतिक खबरें ही करते रहें कवर लेकिन फिर भी राजनीति अबूझ पहेली लगती है अब एक तरफ तो ये समाचार आया कि वो चुनाव से अलग है पहले हम लोग देखते थे कि जो उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार बनाए गए एनडीए के उनसे किस तरह से तृणमूल की लड़ाई चलती रही वर्षों मतलब जब से वो महाराज्यपाल बने इसी बीच में अचानक हुआ कि प्रधानमंत्री से मिलने आई और प्रधानमंत्री से मिलने को इतना प्रचारित किया गया कि भाजपा के ही एक सांसद बंगाल के ये कहने लगे कि ये इस दिखावे मत जाइए और ये मतलब एक तरफ तो ये भी दिखाया जा रहा है कि कटुता कम हो रही है और चुनाव से अलग होने का भी एक संदेश तृणमूल देना चाहती है देश में दूसरे तरफ भाजपा के लोगों को लगता है कहीं ऐसा न हो कि इसका कुछ और संदेश चला जाए इसलिए वो बात को काटने रहे हैं और जैसा अभी पहले भी कहा और हम सब लोगों ने पहले भी चर्चा में ये कि अकेले भाजपा सक्षम है चुनाव जीताने के लिए उपराष्ट्रपति का पिछली बार के मुकाबले इस बार भाजपा के सदस्यों की संख्या लोकसभा में भी ज़्यादा है राज्यसभा में भी ज़्यादा है बावजूद इसके संख्या और जो दूसरे दलों का समर्थन मिला है एन अपने आप में और एन के बाहर के दलों का उसमें मुझे लग रहा है कि ये चुनाव की औपचारिकता ही ज़्यादा रह गई है वैसे आखिर काउंट तक और जैसा आपने कहा मुझे उम्मीद इसकी कम दिख रही है वैसे अभी होता नहीं है और अगर कोई तृणमूल कांग्रेस का वोट करने जाए तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई रोकेगा क्योंकि लेकिन आ, ऐसा होता अभी तक दिखा नहीं या अभी अभी चुनाव आ, हो गया पाँच बजे तक तो अभी तक तो ऐसी जानकारी किसी आ, साथी ने या किसी आ, ये, अभी तक बता नहीं पाए नो इन लाइकलो मोस्ट ऑफ दी मेम्बर्स विल अबाइड बाई दैट वीर ऑल्सो ज्वाइन बाय रामनारायण श्रीवास्तव जी हेर आपका स्वागत है रामनारायण जी अगर राजनीतिक रूप से इसको देखने और समझने की कोशिश करें आ, और जो एक आ, आ, संदेश जो देने की कोशिश की गई है सरकार की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी जो उम्मीदवार का चयन था तो क्या संदेश आपको आ, उसमें दिखाई देता दोनों ही खेमों की तरफ से देखिए सरकार ने जब जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार घोषित किया तब साफ था कि वो एक ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार लेके आ रही है जिसका एक सामाजिक संदेश है वो एक किसान परिवार से आते हैं वो एक ऐसे समुदाय से आते हैं जो बहुत ज़्यादा आगे नहीं समाज की मुख्य धारा में इसके अलावा उन्होंने एक सामाजिक समीकरण क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखा जबकि विपक्ष ने जब मार्गिट अलबाक को उम्मीदवार बनाया तो उनके दलों में ही सहमति नहीं थी आम सहमति नहीं थी चर्चा की कमी थी और कोई विजन भी नहीं था क्यों मना रहे किस वजह से मना रहे कोई संदेश नहीं दे पाए हमने देखा था पिछली बार जब 2017 में उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ था तब भी विपक्ष के पास कोई विजन नहीं था उन्होंने निर्दलीय अपने उम्मीदवार को समर्थन दिया था उस समय जो गांधी गोपाल गांधी थे उनको उनको समर्थन किया था तो विपक्ष चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो वो कहीं ना कहीं वो एक दिग्भ्रमित स्थिति में रहा है वो चुनाव लड़ने के लिए लड़ रहा है इसलिए नहीं लड़ रहा है कोई संदेश दे रहा हो या अपना क्योंकि नंबर गेम साफ है उसमें जीतना एन डी ए का तय है लेकिन वो एक संदेश भी नहीं दे पाया कि हम किसी विचारधारा के लिए किसी कोच के लिए या कोई नेशनल या राष्ट्रीय या क्षेत्रीय कोई संदेश दे पा रहे हैं सामाजिक संदेश दे पा रहे हैं उसमें भी वो विफल रहा है यहाँ पर जी जी मनोज जी ये इसी चर्चा को अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाए हाँ। जब विपक्षी खेमे की अगर बात करें तो मार्केट अलवा जी के नाम की जब घोषणा हुई तो जिस तरह की जो खबर है सामने है उसमें ये कि तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्षा ममता बनर्जी से बात करने की कोशिश की गई और खुद मार्केट अलवा जी ने एक बयान में कहा कि आ, उनको थोड़ा सा आश्चर्य हुआ जब टीएमसी की तरफ से बयान आया कि वो एब्सटेन करेंगे वोटिंग से तो ये किस तरह की राजनीति और रणनीति आप इसमें देखते हैं नहीं वो असल में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस दोनों में आपस में का, काफ़ी टकराव है बल्कि तृणमूल कांग्रेस के चलते बंगाल से कांग्रेस की विदाई हो गई है जो जगह वहाँ कांग्रेस की हुआ करती थी वो धीरे धीरे वहाँ तृणमूल कांग्रेस ने ले लिया मार्गेट अलवा की उम्मीदवारी का तो मुझे लग रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में जो मार खाई विपक्ष उस उसको थोड़ी झेप मिटाने के लिए कि महिला माइनॉरिटी कम्युनिटी से पढ़ी लिखी कैबिनेट मिनिस्टर कई राज्यों की राज्यपाल रही ऐसा नाम लेके आए ताकि लोगों को एक सब, उनको ही पता है कि दो सौ से ज़्यादा वोट उनको मिलने नहीं है तो एक मैसेज आए और जाहिर तौर से जैसा अभी राम जी कह रहे थे जाहिर तौर से विस्तार से उम्मीदवार पर चर्चा नहीं हुई बल्कि इससे ज्यादा चर्चा उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में यह अलग बात है कि एक दो तीन चौथे नंबर पर जो उम्मीदवार थे उसको उन्होंने बनाया पहले वाले ने रिफ्यूज किया दूसरे ने रिफ्यूज लेकिन किया। लेकिन तृणमूल कांग्रेस की भूमिका की बात करें तो राष्ट्रपति चुनाव में भी काफी दिलचस्प था राष्ट्रपति चुनाव के जो उम्मीदवार थे विपक्ष के उम्मीदवार थे वो लेकिन बावजूद उसके वो प्रचार करने वहां नहीं गए नहीं गई और न एग्रेसिव होकर कुछ बोल पाई तो इस रणनीति का संदेश क्या है क्या है रणनीति ममता असल में मुझे लग रहा है कि अभी तुरंत विधानसभा चुनाव तो होने नहीं है लोकसभा चुनाव भी 2024 में होंगे उसमें भी तृणमूल कांग्रेस का उतना बहुत कुछ दांव पर तो लगा नहीं है पहले एक प्रयास एक माना जा रहा था कि विपक्ष का चेहरा बनेगी ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी जी के मुकाबले मुझे लग रहा है अब उनको ये समझ में आ गया कि ये इतना आसान नहीं है तो मुझे अपने जो अपने जो राजनीतिक अनुभव से लग रहा है पत्रकारिता का उसमें मुझे लग रहा है कि उनको ये लग रहा है कि टकराव के बजाय कुछ साफ सफाई सुलगाव और आप जारी बैठ के राज्य के लिए कुछ काम किया जाए और एक संदेश देने का क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक समय था जब ममता बनर्जी अटल जी की कैबिनेट की मिनिस्टर थी एक समय यह था जब वो सबसे करीबी लोगों में वो भाजपा के साथ जुड़ी हुई थी तो ऐसा कुछ अब राजनीति में ऐसा कुछ है नहीं और खास करके तृणमूल कांग्रेस के लिए कि वो अलग हुए हैं ऐसा कोई वैचारिक बहुत मतभेद और ऐसा कुछ तो है नहीं तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक करीब आने की कोशिश जी और उनको ये समझ में आ रहा है कि बंगाल में अब जो कुछ भी है वो तृणमूल कांग्रेस बनाम भाजपा है तो इसलिए भाजपा से उतनी कठुता करने के बजाय और केंद्र में वो इतनी ताकतवर सरकार है कि उसको वो हिला नहीं पाएंगे न उन पर कोई फर्क पड़ेगा उनके विरोध का तो विरोध करने के बजाय उसको अपने पक्ष में करें, ऐसा मुझे लग रहा है। गणपति, एग्री विद इन द ऑपोजिशन कैंप और यू नो लैक ऑफ यूनिटी विद इन द ऑपोजिशन कैंप एंड Is of course the, the strategy of one of the constituents of the opposition camp, that is TMC. The BJP's strategy has been very smart, as I said uh, earlier. Very well thought out plans uh, they have. Like, for example, in the president election, the moment the candidate's name was announced, it had multiple ripple effects. She belongs to Orissa, so immediately BJP declared its support. So that was a very important uh, point Setback for the opposition. Then Jharkhand Mukti Morcha had to support her because she is a representative of the tribal community. Similarly, many MLAs belonging to different parties including TMC in West Bengal also wanted to uh, vote for uh, 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 President uh, Draupadi Murmu. So that was the situation. The opposition on the other hand could not even think of a candidate. Uh, they had their first choice, second choice, third choice. Like such a difficult situation that they are facing because of the strong uh, planning of the BJP and the NDA. And at the same time, we also had the uh, Maharashtra change in government and uh, Eknath Shinde supporters were ready to vote for her. So many things happened at the same time. The opposition could not manage to even give a weak fight also. There also, the election was already decided. It was very clear that the NDA is winning and the opposition is losing. Similar situation has happened. Like now, the BJP is now planning several years ahead. Gujarat assembly election, then there are assembly elections in uh, Rajasthan, Madhya Pradesh, and Chhattisgarh, and Himachal Pradesh also, like similarly 2024 election. So, they, their forward looking plans are really taking the opposition into a corner where they are not left with many options. Okay. That is why, if you see, Tirunamul Congress, very important constituent of the opposition with the numbers, is yeah, not voting in this election. That's a big setback, and uh, that means that Congress leadership is not being accepted. The opposition parties feel that the leadership of the Congress cannot enable any victory against the NDA, and therefore they are, don't want to back the Congress. Okay. Only some allies like DMK and the left are with the Congress. All the others are withering away slowly, Vishal. Okay, okay. Uh, uh, our colleague uh, Kriti Mishra is uh, uh, joining us from the parliament again. Uh, looks like she has uh, some more updates, Kriti well, vishal, as you know, that the counting process uh, would begin in just a short while from now. as we speak uh, in the counting room right now, there is progress uh, of uh, segregating the votes that have been uh, given by the members of parliament. now, there are four trays, specifically two for uh, the opposition's candidate, margaret alva, and two for uh, the nda's candidate, mr. jagdeep dhankar. now, as you know, the counting process, uh, as we've been speaking to the representatives, of the opposition and the NDA would begin around 6 p.m. And that's when uh, the representatives of the NDA, that's uh, Union Minister Mr. Bhupendra Singh Yadav, and also MOS Parliamentary Affairs uh, Arjun Ram Meghwal, and also Mr. V. Mudli they would be there. And as far as the opposition is concerned, Dr. Vandana Chavan, Dr. Kanni Moi, and also Mrs. Rajni Patil would be there. Then at 6, the process will begin of counting. Right now, segregation is going on in specific trays of. The the candidates of the opposition as well as the NDA. Back to you, Vishal. बिल्कुल okay. तमाम जो और अपडेट है उस अपडेट के लिए हम लगातार आपके पास आते रहेंगे फिलहाल विश्लेषण जो चल रहा है और तौर से जो हम बात कर रहे थे अभी राम नारायण जी विपक्ष की रणनीति को लेकर सत्ता पक्ष की जब बात हम करें तो जाहिर तौर पर हर जीत के साथ वो अपने आप को और बड़ा दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी विपक्ष की है कि वो इस स्थिति को बदलने की कोशिश करे जो मुख्य हथियार माने जाएंगे वो कहीं ना कहीं मुद्दे रणनीति और जनता का साथ ये तीन हथियार हैं जिन पर आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ना है और सत्ता पक्ष पर हावी होता दिखना है लेकिन अब राष्ट्रपति चुनाव के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव और जैसा अभी थोड़ी देर पहले मनोज जी ने भी कहा कि और ज्यादा कहीं ना कहीं बिखराव देखने को मिला है विपक्ष में विपक्षी एकता में क्या बड़े पहलू हैं जिन पर और सुधार के साथ आगे आया जा सकता था क्योंकि मैं कहूं एक तरह से एक मसला है ईडी का उस पर जब इतने विपक्षी दल एक साथ आ सकते हैं तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के वक्त क्यों नहीं नहीं जैसे आपने कहा कि ईडी वाले मसले पर भी विपक्ष साथ में पूरा नहीं आया है कांग्रेस अपनी लड़ाई खुद ही सड़कों पर लड़ रही है संसद में लड़ रही है उसके साथ में कोई न तो बेल में जा रहा है और न कोई सड़क पर उतर रहा है पत्र हस्ताक्षर ईडी के खिलाफ कांग्रेस नेताओं के उस मामले में नहीं है तृणमूल कांग्रेस का रुख भी रहा वो भी कांग्रेस समर्थन में नहीं रहा वहाँ पर एन भी संसद का समर्थन करती है लेकिन सड़क पर नहीं होती साथ में तो ये राजनीतिक मुद्दे अपनी जगह हैं उनकी लड़ाई अलग होती है लेकिन एक विपक्षी एकता का जो संदेश जाना चाहिए था वो कांग्रेस नहीं दे पा रही क्योंकि कांग्रेस खुद ही कमजोर हो रही है जब विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कमजोर हो तो वो सबको साथ में ले चलने में सक्षम नहीं हो पाती है और ये इस बार भी साबित हुआ है तो फिर कोई और लीड क्यों नहीं ले नहीं समस्या ये है कि कांग्रेस अपने हाथ से कमान छोड़ना भी चाहती है और खुद संभाल भी नहीं पा रही है विपक्ष में दूसरे ममता बनर्जी आगे आई तो उसको लेकर के कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाया नीतीश कुमार आगे आए तो कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाया शरद पवार भी आगे आए तो उनको ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाया क्योंकि कांग्रेस पैन इंडिया पार्टी है उसका एक नेशनल स्ट्रक्चर है तो क्षेत्रीय दलों को भारी पड़ती है लेकिन जब नेतृत्व तो सब कुछ साथ में लेकर चलने की बात आती है तो उसमें कांग्रेस कमजोर पड़ जाती है कांग्रेस की अपनी समस्याएं अपना एक पारिवारिक प्रॉब्लम है उसको लेकर के सभी विपक्षी दल उसके साथ खड़े नहीं हो पाते हैं तो विपक्ष का जो एक रवैया रहा है वो संसद में रहा हो लेकिन जब एक मैसेज देने की बात आई सरकार के खिलाफ खड़े होने की बात आई एक लड़ाई की बात आई तो उसमें कांग्रेस का नेतृत्व तो हमेशा असफल रहा है इस चुनाव में देखा उम्मीदवार चुनाव लड़ना दूर की बात है उम्मीदवार तय करने में ही उनमें ये एक भी नहीं स... पता लग पाया कि उम्मीदवार का नाम सुझाए किसने बिल्कुल नहीं आया कांग्रेस ने जिस तरह से मारिक अलवा का नाम लेके आई अचानक और अनाउंस भी कर दिया उन्होंने तो कई विपक्षी दलों को इसकी जानकारी तक नहीं थी एक एक विपक्ष में एक संवाद की हिंता हीनता संवादहीनता जो आई है वो भी बड़ी समस्या आई है तो इसमें लगता नहीं है कि एक चुनाव तो अभी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का इनडायरेक्ट चुनाव होता है जनता इन्वॉल्व नहीं होती है ये मैसेजिंग जो चुनाव होते हैं आप किस तरह से करते हैं चुनाव हारते तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन चुनाव लड़ा कैसे जाता है मुद्दे क्या उठाए जाते हैं और सरकार को कैसे घेरा जाता है उसमें विपक्ष पूरी तरह असफल रहा है अभी जो ईडी की मामला चल रहा है उसमें भी हमने देखा है कि विपक्ष की जो अंतर विरोध है चाहे वो आप संजय राउत पर कार्रवाई हो रही हो या राहुल सोनिया पर कार्रवाई हो रही हो या उधर पार्थिव चटर्जी पर कार्रवाई हो रही हो तो उसमें भी एक रूपता आपने देखने को नहीं मिली है सब अपनी अपनी अलग लड़ाई लड़ रहे हैं हाँ ई टी एजेंसियों के दुरुपयोग का सवाल उठता है वो नहीं होना चाहिए लेकिन जिसके खिलाफ मामला है उसके साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा है तो क्या मनोज जी माने सत्तर साल में यही रहा है सत्ता पक्ष और विपक्ष को लेकर असल में जो विपक्ष के दल हैं उसमें ज़्यादातर दल ऐसे हैं जिनका विरोध भाजपा से कम कांग्रेस से ज़्यादा रहा है वो अचानक कैसे कांग्रेस के एकदम खेमे में आ जाएंगे कोशिश हुई है लेकिन उस ढंग से कोशिश नहीं सबके राज्यों में जो क्षेत्रीय दल हैं राज्यों में उनकी आपस की अलग लड़ाई है राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अलग लड़ाई है मुझे लग रहा है कि वो आपस में इसको चूँकि अभी तुरंत राष्ट्रपति चुनाव बीता उपराष्ट्रपति चुनाव आज संपन्न हुआ और इसके बाद कुछ ही महीने बाद फिर विधानसभा चुनाव का सिलसिला शुरू होगा और ये सिलसिला चलता रहेगा गुजरात हिमाचल कई राज्य तमाम राज्यों के अभी आएंगे उन राज्यों के अलग अलग समीकरण हैं तो मुझे लग रहा है विपक्ष इसी चक्रव्यूह से नहीं निकल पा रहा है सत्ता पक्ष के लिए सुविधाजनक ये है कि उसने राष्ट्रपति चुनाव में एक अलग मैसेज दिया इतना ही नहीं मैसेज देने के साथ साथ अपने दो बड़े नेताओं को राष्ट्रपति चुनाव में सर्वसम्मति के नाम पर प्रयास करने के लिए कह दिया और उन लोगों ने करते हुए प्रयास दिखा भी हुआ नहीं अलग बात है लेकिन वो जितना तय वोट मिलना था श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को उससे ज़्यादा वोट उन्हें मिले इस चुनाव में भी उपराष्ट्रपति में अभी नतीजे आएंगे लेकिन लगता यही है अनुमान यही लगाया जा रहा है कि जितने वोट मिलने चाहिए थे मिलने चाहिए जगदीश धनखड़ जी को उससे ज़्यादा वोट उनको मिलेंगे वो मुझे लग रहा है सत्ता पक्ष जो मैसेज देना चाह रहा है वो दे पा रहा है और विपक्ष उसमें कमजोर हो रहा है जैसे नारायण जी कह रहे हैं अब जैसे ईडी के खिलाफ जिस तरह जिस तरह से बड़ा मुद्दा बना के एकदम प्रयोग किया गया और जैसे लगा कि इमरजेंसी लग गई और पता नहीं क्या क्या उस हिसाब से सारे अपोजिशन के लोगों को सड़क पे आना था जिस तरह से इनकी गिरफ्तारी वो दफ्तर बंद वो रास्ता बंद वो वहाँ सील वो फल लेकिन ढाक के वही कांग्रेस के ही नेता दिख रहे हैं आम जनता भी नहीं जैसे हमारे जैसे लोग जो पॉलिटिकल कार्यकर्ता रहे हम लोगों को ये लगा कि ये आंदोलन जैसे छोटे छोटे ब्लॉक और छोटे, छोटे छोटे शहर देहात में बढ़ेगा कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही गिरफ्तार किया जा रहा है लेकिन अभी तक वो भी नहीं दिल्ली के कुछ इलाकों लुटियन जोन से बाहर अभी आंदोलन निकलता हुआ नहीं दिख रहा है तो कहीं ना कहीं जो मेन अपोजिशन पार्टी है वही अपने दुर्दिन को ठीक नहीं कर पा रही है और वही जब तक ठीक नहीं होगी तब तक वो बाकी दलों को खड़ा करने का कैसे आ, साहस जुटा पाएगी और ढंग से नहीं हो पाएगा okay. इसीलिए मुझे लग रहा है अभी कोई तुरंत खतरा सत्ता पक्ष को होता हुआ नहीं दिख रहा है गणपति यू नो व्हेन वी लुक एट इन इन द रीसेंट पास्ट एंड गो डीपर इनटू प्रीवियस इलेक्शंस एज वेल What similarities do you find or differences when we're talking about the vice presidential election here? The Congress keeps saying that democracy is being murdered and uh, ED, IT, CBI are being used as uh, tools by the government. But look at what the Congress is doing. There is so much uh, protest in the case of uh, National Herald, and that too only when Sonia Gandhi, uh, Rahul Gandhi are involved, when they are called for questioning, etc. What did the Congress do in uh, Maharashtra, in Mumbai, when Sanjay Rawat uh, has been uh, questioned, when he has been booked by the Enforcement Directorate? And in Delhi only, Aam Aadmi Party's Minister Satyendra Jain was booked by the ED. He has been arrested and he is in jail. What has the Congress done? So the Congress thinks uh, that only when some action is taken against the, the Congress leaders by the ED, it is murder of democracy. But at the same time, uh, nothing, it doesn't feel the same way. For Ramadbi Party Satyendra Jain or uh, Shev Sena's Sanjay Rao. And uh, look at what's happening in Kolkata, uh, uh, in West Bengal, after Partha Chatterjee and uh, his associates were arrested, and so much of cash has come out that the Trinamool Congress has now disassociated uh, with uh, Partha Chatterjee. He has been removed as a minister, he has also been suspended from the party, etc. So the situation is such that you have to prove that you are innocent. You can't just you know escape by going around saying that democracy is being murdered etc we all know what uh, happened uh, during the emergency days was there any democracy at that time and the congress keeps saying oh bjp is only ruling only in the northern part of the country and the eastern or western part of the country they don't have any support in uh, south india or uh, east india but well, look at uh, what the bjp has done bjp has come to power in uh, puducherry bjp is already in power in uh, karnataka and in the nearby states of uh, Karna andhra pradesh and telangana, the bjp is trying very hard to become a major uh, political force. Kerala okay. also, even though there is no success, they are fighting. so their attempt is that they are fighting everything politically. they are going to the people rather than just blaming uh, x or y or z to that. okay. Okay, so 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 when we are looking at the vice-presidential election here, Ganpati, what are the differences and similarities uh, which, which you can, you know, uh, point out or identify vis-a-vis -vis the previous elections? Yeah, one thing very important is that there is always cross-voting in favor of the BJP and the NDA. That's what uh, happened in the president election and the uh, same thing is happening in the vice-president election also. Let's look at the selection of candidates. Margaret uh, Alwaji... Is a former governor of several states. She was also a central minister. Similarly, Mr. Dhankar also has a lot of administrative experience. If many people may not remember that he was a minister in the VP Singh government and that too looking after parliamentary affairs. So he has also a lot of experience and he is going to handle Rajya Sabha in a very controlled manner. And uh, this is, these are the things that the opposition is not uh, realizing. They only think that oh, we are losing, we don't have the numbers, etc. But the BJP also includes a message in everything. They are bringing a person who is well versed with uh, parliamentary rules and regulations as the chairman of the Rajya Sabha. Okay. And then uh, we also have elections in uh, Rajasthan, where he belongs to Rajasthan, and there will be an impact. Similarly. प्रेजिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इज फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटी सो इनपैक्टर स्ट्रोक्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रामनारायण जी अगर uh, तुलनात्मक रूप से देखें और पिछले चुनाव की तरफ एक नजर डालें तो दो लिहाज से एक का uh, तो जो मैसेजिंग यानी कि जो संदेश देने की कोशिश होती है दोनों ही खेमों की तरफ से सत्ता पक्ष और विपक्ष और दूसरा जिस तरह से चुनाव लड़ा जाता है और जिस तरह से नतीजे भी आते हैं तो पिछले कुछ उपराष्ट्रपति के चुनाव पर नज़र डालें और थोड़ा सा और पीछे जाएं तो आपको क्या अंतर नज़र आता है या क्या समानताएं नजर आती हैं इस चुनाव में जो देखने को मिल रही हैं देखिए सबसे बड़ी बात क्या पहले जब लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में रही भाजपा दूसरे समाजवादी दल विपक्ष में रहते थे जब वो अपना उम्मीदवार खड़ा कहते थे उस समय तय हो जाता था किसका किसको समर्थन है वामपंथी दल बहुत कम मौक़ों पर ऐसा हुआ एक आध मौका हुआ जब इन्होंने जनसंघ के साथ या भाजपा साथ खड़े देखे अन्यथा वो खिलाफ ही रहे और कौन से समर्थन में रहे समाजवादी खेमा भी जो बटाऊ रहता था बिखरा रहता था वो भी स्पष्ट रहता कहाँ खड़ा हुआ लेकिन ये पहला चुनाव है जिसमें विपक्षी के पास कोई मुद्दा कोई वो स्पष्टता ही नहीं है कौन किधर खड़ा हुआ है आखिरी दिन तक देखा आज श्रोमणी अकाली दल ने आज मतदान ठीक पहले बताया कि हम धनखड़ के समर्थन में खड़े हुए हैं इसके पहले एक दिन पहले आम आदमी पार्टी करी उसे खिलाफ जा रहे हैं ये मैं बोला हम समर्थ में जाए तो इस तरह की स्थितियाँ जो हैं कहीं कोई स्पष्टता ही विपक्ष में दिखी ही नहीं क्योंकि विपक्ष में कहीं कोई जो बड़ा दल था कांग्रेस वो संवाद की स्थिति में ही नहीं रहा वो एक तरफ चुनाव हो रहा था दूसरी तरफ वो अपने नेताओं को बचाने के लिए सड़कों पर तड़े हुए थे संसद में चलने देते तो चुनाव की गंभीरता वहीं खत्म हो गई थी जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के बजाय वो अपने नेताओं को ईडी और दूसरे मुद्दों बचाने के लिए संसद से लेकर सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे ऐसे में उनकी रणनीति कुछ थी नहीं कोई संवाद ही नहीं था यहाँ तक मतदान तक के लिए उनके पास एक स्पष्टता नहीं थी तो पिछले चुनाव जो होते थे उसमें कहीं ना कहीं एक चुनाव गंभीरता से लड़ा जाता था यह जानते हुए भी कि मतदान किसके पक्ष में होना वोटर किसके पक्ष में है इसके बावजूद इस बार वो विपक्ष में दिखा ही नहीं वो चुनाव लड़ते हुए भी नहीं दिखा सिर्फ कैंडिडेट खड़ा कर देने से चुनाव नहीं लड़ा जाता है एक संदेश भी एक जा 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 आपको स्पष्टता भी रखनी पड़ती है हम विपक्ष की रचनात्मक भूमिका क्या है वो भी नहीं दिखा पाए वो जी तो एक बड़ा अंतर है इसमें आ, आपने, आपने जे एम की बात की मैं मनोज जी आपको लाना चाहूंगा हमने अभी थोड़ी देर पहले टीएमसी के बारे में बात की थी झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ अगर देखें तो वहां भी एक बड़ा दिलचस्प रणनीति दिखाई देती है वो राष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने सरकार के उम्मीदवार का समर्थन किया और उपराष्ट्रपति के चुनाव में वो विपक्ष के उम्मीदवार का समर्थन कर रहे हैं और झारखंड में सरकार जेएमएम कांग्रेस के साथ मिलकर चला रहे हैं। असल में वो द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करने के पीछे तो सीधा तर्क था कि वो आदिवासी हैं और जब वहाँ वो राज्यपाल रही हैं झारखंड में तो कुछ समय ज़्यादातर समय बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही शासन था और इनसे उनके अच्छे संबंध रहे तो ये कारण हो चूँकि ये केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा की पूरी राजनीति केवल आदिवासी है तो आदिवासी खुद ही आदिवासी को उम्मीदवार बनाया गया तो उनको वोट में समर्थन नहीं देने का कोई मतलब ही नहीं ढूंढ पाया और इनको लगा कि जैसे अभी बावजूद इनके तमाम प्रयास के कांग्रेस के कई वहाँ के एम लोगों ने क्रॉस वोटिंग की उस तरह से इनके सारे एम क्रॉस वोटिंग करते तो ये जानते हुए इन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव आते आते राष्ट्रपति से उपराष्ट्रपति चुनाव आते आते वहाँ कई डेवलपमेंट हो गए मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे और उस भ्रष्टाचार के आरोप की जड़ें जो हैं वो मुख्यमंत्री के घर तक और दफ्तर तक पहुँचने लगी तो जो स्थिति यहाँ दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए बन रही है कमोवेस वही स्थिति वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार के साथ बन रही बनती हुई दिख रही है तो मुझे ये लग रहा है कि उस खीज में या कोई स्पष्ट रणनीति जैसा रामनारायण जी कह रहे थे और हम सब चर्चा कर रहे कोई स्पष्ट रणनीति न बन पाने के चलते उन्होंने वो मार्गेट अल्वाजी को समर्थन देने का फैसला किया उनके समर्थन से बहुत कोई फर्क पड़ना नहीं था स्वाभाविक रूप से वो कांग्रेस के अलाइज हैं तो कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ जाना चाहिए था लेकिन राष्ट्रपति चुनाव की स्थिति भिन्न थी आदिवासी के चलते वहाँ उन्होंने फैसला बदला और यहाँ मुझे लग रहा है कि वो आते आते उनको सरकार से सीधी लड़ाई केंद्र सरकार से जो उनकी जांच वगैरह हुई उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप जैसे दूसरे राज्यों में तीन राज्यों में अभी चल ही रहा है महाराष्ट्र में बंगाल में और दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर तो सोनिया गांधी और उन पर चल ही रहा है कि वही ईडी कार्रवाई उस तरह से और चौथा राज्य झारखंड बनने वाला था या बना हुआ है जहाँ जाँच इस तरह की चल रही है तो मुझे लग रहा है एक बड़ा कारण वो बना हुआ है गणपति जी, जी हमारे साथ गणपति से जब हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं और अभी हमने क्षेत्रीय दलों को लेकर भी कहीं ना कहीं उनका स्टैंड जो रहा है उसके पीछे क्या सोच रही है इसकी बात की है आपकी नजर में टेकअवेज क्या हैं प्रेजिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के अगर हम 2024 की बात करते हैं 2024 के लिए टेकअवेज बड़े क्या हैं पहले उत्तर प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हुआ था उसमें भाजपा जीत के दोबारा उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि भाई भाजपा नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट जहाँ से सबसे ज्यादा लोकसभा एमपी आ रहे हैं तो वो स्टेट दोबारा जीत लिया और उसके बाद आते हैं इस पार्लियामेंट सेशन में जिसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन जीत रहे हैं तो आप सोचिए कि कितना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होगा कि आगे वाला जो चुनाव जो है जिसमें ये मैदान में ऑलरेडी उतर चुके हैं तो उसमें जब जाके काम करेंगे तब गुजरात असम्बली में या हिमाचल असम्बली में राजस्थान छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश असेंबली इलेक्शन में कितना ज़ोरदार ताकत के साथ लड़ेंगे तो एक एडवांटेज ऑलरेडी हो चुका था एन और भाजपा के लिए तो फ्रंट फुट में वो खेल रहे हैं अभी तो इसलिए अपोजिशन को और कोई रास्ता नहीं है बैक फुट में खेलना पड़ रहा है और कर्नाटका में जो है वो कांग्रेस के अंदर फैक्शन फाइटिंग चल रहा है राजस्थान में फैक्शन फाइटिंग चल रहा है और कंट्रोल हो नहीं पा रहा है छत्तीसगढ़ में भी यही हालत है बीच बीच में वहाँ पे अंदर टक्कर हो ही जा रहा है तो इस तरह का जो स्थिति होगी तो अपोजिशन का लीडर कांग्रेस बने ना का जो है सोच भी नहीं सकता ऐसा हालत है तो ट्वेंटी में अब बीजेपी और एन का आज का स्थिति है कि देर इज़ नो ऑल्टरनेट कि मतलब और कोई जो है इनको चैलेंज करेगा कोई जीतेगा ऐसा सोचने का भी स्थिति नहीं है ऐसा हालत है कि इतना स्ट्रेंथ है अभी बीजेपी और एनडीए में और एनडीए का जो पुराना जो अलाइज है जो छोड़ के जा चुके हैं वो भी किसी ना किसी रूप से वापस आ रहे हैं अकाली दल के बारे में अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई थी और शिवसेना का तो हालत हम लोग जानते ही हैं क्या है तो इस तरह का जो सिचुएशन है इसमें बीजेपी और एन का ट्वेंटी में एकदम पूरा कॉन्फिडेंस और पूरा एकदम एडवांटेज के साथ वो चुनाव में उतर रहे हैं राम नारायण जी तो हम इसके पीछे क्या माने सत्ता पक्ष की रणनीति मजबूत है या विपक्ष की जो कमजोरी है वो उसे और मजबूत बना रही है देखिए दोनों ही बातें हैं सत्ता पक्ष की रणनीति तो मजबूत है ही और विपक्षी कमजोरी का फायदा भी सत्ता पक्ष को मिल रहा है हमने देखा है कोई भी चुनाव भाजपा जब चुनाव में जाती है तो जहाँ वो हारने वाली होती है केरला का चुनाव हो तमिलनाडु का वहाँ भी पूरी ताकत से लड़ती है उसे सारे बड़े नेता जाते हैं पूरा कैंपेन चलता है नीचे से ऊपर तक बूथ लेवल तक पहले हार नहीं मानते हार नहीं मानते वो चुनाव गंभीरता से लड़ते हैं पूरी तैयारी से लड़ते हैं वो चुनाव सिर्फ ऐसे नहीं जैसे विपक्ष अभी लड़ रहा है पूरी तैयारी होती है उनकी तो ये तो बड़ा चुनाव उसमें जीत भी तब भी है उनकी स्पष्टता होती है लेकिन विपक्ष को हमने देखा है इस बार इतनी बुरी हालत किसी भी चुनाव विपक्ष की नहीं रही जो इस बार हो रही है इतनी ज्यादा उनके अंदर कोई संवादहीनता इतनी ज़्यादा अराजकता जैसा माहौल इतना ज़्यादा आपस में मतभेद चुनी मनभेद तक इतने सामने आए हुए हैं तो कुल मिला के देखा जाए तो विपक्ष और कमज़ोर हुआ और जब विपक्ष कमज़ोर होगा जब कोई विकल्प नहीं होगा तो निश्चित रूप से जहाँ एक स्थायित्व तो होगा जहाँ एक नए चीज़ के आगे बढ़ने की क्षमता हुई लोग वहाँ जाएंगे क्रॉस वोटिंग क्यों होती इसलिए होती है क्योंकि उम्मीदवार के पक्ष में कहाँ वोट देना बहुत सारे राजनेता तो ऐसे होते हैं विप्त लागू होता नहीं तो वोट देते हैं हमने देखा भी शिवसेना है शिवसेना इस चुनाव में कोई स्पष्ट निर्णय ही नहीं ले पाई क्योंकि वो इतनी बटी हुई है तो उसका जो एक बड़ा खेमा है वो निश्चित रूप से वो एनडीए के साथ वोट करेगा कुछ लोग हैं जो खिलाफ जाएंगे तो स्पष्टता वहां भी नहीं तो विपक्ष के जो दल हैं एक ही दल में आप जाएंगे तो उनमें हर दल अपने आप में कहीं ना कहीं बिखरा हुआ है बटा हुआ है और जब दल अपने आप में बटा हुआ है तो विपक्षी एकता तो अपने आप बिखर जाती है बट जाती है ठीक है तो थोड़ी ही देर में हम एक बार फिर से अपडेट लेंगे विशाल और जाहिर तौर पर अब इंतज़ार इसी बात का है कि नतीजे क्या होंगे जो नंबर्स हैं नतीजों के वो अपने आप में क्या संदेश और संकेत लेकर आएंगे उपराष्ट्रपति चुनाव जो कि देश का दूसरा शीर्ष संवैधानिक पद है उसके लिए आज वोटिंग हुई और अब हम नतीजों का इंतजार कर रहे हैं और संसद टीवी पर लगातार आप ये कवरेज भी देख पा रहे हैं और तस्वीरों के जरिए भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन से वो बड़े नाम और सांसद मंत्री तमाम रहे जिन्होंने आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और सबसे पहले वोट देने वालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शामिल रहे और इसके बाद एक एक करके तमाम सांसदों ने वोट डाला है और जन प्रतिनिधि सीधे तौर पर इस चुनाव में उपराष्ट्रपति का चयन करते हैं और कहीं ना कहीं यही जनप्रतिनिधि जब आम चुनाव होते हैं चाहे वो विधानसभा के हों या लोकसभा के चुनाव हो जनता से अपील करते नजर आते हैं कि पहले मतदान पूरा फिर काम दूजा जा तो देखना होगा कि क्या हमें 100 फीसदी मतदान का आंकड़ा सुनने को मिलेगा हालांकि हम जानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस ने अपने आप को अलग रखा है उपराष्ट्रपति चुनाव से ये बात भी सामने आई है तो आंकड़े क्या कहते हैं वोटिंग परसेंटेज को लेकर साथ ही आंकड़े क्या बताते हैं हार जीत के अंतर को लेकर इस पर नज़र होगी और ये आंकड़े और न कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति चुनाव इसमें उतारे गए जो चेहरे हैं वो अपने आप में क्या राजनीतिक सामाजिक संदेश दे रहे हैं आगे की जो राह है हम कितना भी कह लें विशाल की ये जो चुनाव है वो राजनीति से अलग होते हैं और इसीलिए हम कहते हैं विप भी जारी नहीं होता लेकिन घूम फिर के ये बात राजनीति से जुड़ी ही जाती Indeed. है जिनका विश्लेषण हम कर रहे हैं मनोज जी uh, हमने कई क्षेत्रीय uh, दलों की बात की और कई राजनीतिक दलों की बात भी की अगर कुछ और दलों पर नजर डालें और उनकी रणनीति को समझने और देखने की कोशिश करें जैसे कि श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी के uh, सबसे पुराने साथी और बीच में पंजाब चुनाव के दौरान जो है रास्ते अलग हुए और उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति चुनाव में जो नज़रिया और जो रवैया और जो रुख रहा वो उनका वो और दूसरा एक महत्वपूर्ण पॉलिटिकल प्लेयर जिसे कहा जाए आम आदमी पार्टी तो आप इन दो दलों की रणनीति को कैसे आंकेंगे खासतौर पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में जो रही है देखिए अकाली दल की तो अब जो स्थिति बन रही है उससे तो ये लग रहा है कि वो वापस एनडीए में आएंगे देर सवेरे क्योंकि उनका जो मुख्य विरोध था वो तीन किसान कानून को लेकर था वो तीनों किसान कानून प्रधानमंत्री ने खुद वापस ले लिए और दूसरी जो रणनीति जो बेहतरीन रणनीति की भाजपा ने कि वो उसी बिरादरी जो जो मार्शल कॉम कहलाता है किसानों में उसमें से जाट कौम से एक पढ़े लिखे सुप्रीम कोर्ट के चोटी के वकील राजनेता केंद्र सरकार के मंत्री रहे और राज्यपाल रहे जगदीप धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बना लिया तो मुझे लग रहा है कि अकाली दल की तो बहुत सारी जो चिंताएं थीं या शिकायतें थी वो दूर हो गई आम आदमी पार्टी को तो अभी तक स्पष्ट नहीं है आम आदमी पार्टी ने जो वर्षों से जो हम देख रहे हैं 2012 में बनी और 2013 से दिल्ली में धूम मचा रही है और पंजाब भी उन्होंने जीत लिया उनकी स्थिति साफ नहीं थी वो दोनों तरफ चलते थे क्योंकि कांग्रेस का वोट शिफ्ट करा के वो आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता में आई है ये हम सब जानते हैं तो कांग्रेस से उनका अलायंस होगा और यो किसी तरह से कांग्रेस बढ़े क्योंकि चुनाव में इस विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी वो यही अपील करते रहे कि कांग्रेस को जो आप वोट देंगे तो वो वोट वो आपका वेस्ट जाएगा तो इसलिए आप कांग्रेस को वोट न दें और सीधे हमें वोट दें लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में जो उन्होंने भूमिका अदा की उसमें वो ये संदेश देने की कोशिश की कि भाजपा और कांग्रेस दोनों से हमारे समान डिस्टेंस है बल्कि भाजपा से ज़्यादा है जी। और मुझे नहीं लग रहा है कि आने वाले समय में अभी कई मुद्दों टकराव भी हुई है सीबीआई की जांच के आदेश दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिया है उसे भी मान लिया जाएगा कि चूंकि वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं तो उन्होंने दिया है आज एक आई ए अफसर को सस्पेंड करने का और आदेश भी उपराज्यपाल ने दिया है उसी एक्साइज पॉलिसी के मामले में तो मुझे लग रहा है अभी तो वो ज़्यादा डिस्टेंस भाजपा से रखेंगे और उनके राजनीतिक हित में क्योंकि वो सबसे ज़्यादा उनका फोकस अभी दो राज्यों पर हिमाचल और गुजरात में चुनाव लड़ने पर है तो इसलिए अभी वो कांग्रेस की जगह जो वहाँ बनी हुई थी गुजरात और हिमाचल में उसको भरने की कोशिश करेंगे जी। तो अभी उनकी मजबूरी है कि वो Abhi se jyada distance Jay, now that we are talking about you know uh, the strategy, the political strategy being deployed by uh, both the camps, and uh, we're talking about opposition as well, Ganpati, you know uh, when we're talking about the the opposition camp, uh, do you uh, agree uh, that this this equidistant policy, uh, which has been uh, you know adopted by various uh, political parties, smaller parties, regional parties, uh, is also something uh, you know uh, which uh, uh, restricts or limits the the opposition camp's moves because uh, the opposition is is led by Congress. The uh, the government uh, is is led by BJP. So any party which is not with the BJP, if if deploys the equidistant with Congress as well, automatically the opposition stands to lose because BJP already has the numbers. Yeah, when we say uh, regional parties, by nature they are focused on uh, their own state or uh, region. Uh, for example, Tirunelvel Congress is focused completely on uh, West Bengal, even though they have been uh, trying to also extend their area of influence into Assam, Tirupura, etc. Similarly, other parties have also tried that. But they have so far not been successful. One, in their own turf, they may be very strong. But in the national turf, it is only their second priority the first priority is their uh, local uh, area aam aadmi party is the only party which has moved from delhi to punjab they have defeated the uh, shila dikshit government was there in uh, delhi for 15 years and uh, the late shila dikshit was the only one probably to rule delhi for 15 years aam aadmi party replaced her after that aam aadmi party has become a formidable force in uh, delhi similarly in punjab also they have replaced uh, the congress they have now their attempt to replace the BJP in any other state, say for example in the recent elections in Uttarakhand was not successful at all. People uh, did not uh, vote in favour of uh, Aam Aadmi as the party was hoping. Same experience, I spoke to a lot of people from Gujarat and they are telling me that in Gujarat also, the Aam Aadmi campaign is not getting a good response. So even though if they get votes, those will be the votes which will be transferred from the congress to the Aadmi party the bjp still stands its own ground similarly in west bengal what has happened is from the congress the votes went to the left and from the left the votes have gone to trinaml congress bjp from nowhere has emerged as the main opposition party in west bengal so that that kind of a fight political fight no other party has been able to give so far in uh, the recent years. Therefore in a way Congress book Bharat is also becoming a reality in one way or other. So the regional parties are focusing on their own area mm -hmm. and they are not allowing the Congress or any other party to come into their own turf. Same is with the left in uh, Kerala or the Trinamool uh, Congress in uh, West Bengal. Trinamool Congress wanted to go to uh, Goa but that was not successful. So therefore most of them are going to in 2024 and in the run-up to 2024, restrain themselves to their local area and try to gain maximum in that region or state. Okay, okay. Uh, now, now that we are talking about you know uh, the presidential election, uh, let's let's also uh, talk about one very important aspect, and that's, that is uh, the tenure of the of the outgoing vice president. Also, uh, Ji, aap se shuruaat karte hain. Uh, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी का जो कार्यकाल रहा पाँच साल का उपराष्ट्रपति के तौर पर भी और राज्यसभा के सभापति के तौर पर भी तो उसको आ, किस तरह से आप एनालाइज करेंगे समराइज करेंगे देखिए वेंकैया जी जब उपराष्ट्रपति चुने गए थे पाँच साल पहले उन्होंने सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की उनके पास एक बहुत विशाल राजनीतिक अनुभव था एक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे वो कई सालों तक तो केंद्रीय मंत्री रहे वो और उन्होंने जिस तरह से दक्षिण में राजनीति की है उत्तर में राजनीति की पूरे देश का पैन इंडिया पॉलिटिक्स उनकी रही है उनको इसका बहुत लाभ मिला इसलिए संसद में जब वो राज्यसभा के सभापति के तौर पर काम करते थे तो सबको साथ लेकर चलते थे सबके में बैठा के चलते थे जैसे कि हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में लड़ती है तो सबको साथ लेकर चलती है जोड़ के चलती है वो उनके साथ खासियत रही इसके अलावा उनको भाषा की प्रॉब्लम नहीं थी उत्तर भारत में लंबे समय तक काम तो हिंदी भी अच्छी आती थी उनको दक्षिणी भाषाएं आती ही थी अंग्रेजी भी अच्छी थी तो वहाँ पे उनको सबके साथ बातचीत करने सब कुछ में सबको समझने में सबको समझाने में बहुत आसानी रहती थी सदन के संचालन में उन्होंने नियमों और प्रक्रियाओं को लेकर भी सख्ती बरती और उन्होंने कभी किसी को खुली छूट नहीं दी वो सदन लोगों को डांटते भी थे ऐसा नहीं विपक्ष को सत्ता पक्ष के सांसद उनसे ज़्यादा परेशान रहते थे उनको ज़्यादा डांटते थे वो तो उनके जो एक बड़ा कथ था मंत्रियों को भी कई मंत्री डांटा उन्होंने कई बार डांटा उन्होंने तो उन्होंने जो एक स्टेटमेंट किए एक उपराष्ट्रपति के नाते जो अपनी पकड़ दिखाई मजबूत संसद पे भी और देश के दूसरे काम का जो उपराष्ट्रपति के नाते उनके पास थे उनमें भी विदेश यात्राओं पर गए हूँ वो देश के भीतर गए हूँ राज्यों के दौरे पर गए हूँ वहाँ जो मिलते थे वहाँ पर मुख्यमंत्रियों से और विदेशी राष्ट्राध्यक्षों से तो एक गरिमा एक राष्ट्रीय जो पहलू उनका उभरता था एक उनका देश की एक छवि उभरती थी वो अलग तरह की थी एक विश्व दूर से भारतीय छवि भारतीय दर्शन भारतीय रानी उनका पहनावा उनका खाना पीना हर चीज़ उसमें एक भारतीयता झलकती थी तो उसमें हमेशा एक भारत की विशिष्ट छ भारतीय संस्कृति छवि बाहर गई है राजनीतिक दृष्टि से वो जितने परपक थे उतने ही सांस्कृतिक दृष्टि से ही मजबूत रहे हैं वो जी मनोज जी, जी।, जी निश्चित रूप से वेंकैया जी के कद के अनुरूप बल्कि कई मायने में ये कहें कि उपराष्ट्रपति के पद की शोभा उनसे बढ़ी उनके उपराष्ट्रपति बनने से और हम लोग दक्षिण भारत, उत्तर भारतीय हैं दक्षिण भारत के राज्य शहरों का जानकारी नहीं है लेकिन वेंकैया जी से निजी रूप से मंत्री रहते एक दो बार मिलने का मौका मिला वो उत्तर भारत के तब बहुत सारे शहरों के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी रखते थे और जैसा उनका मातृभाषा का प्रयोग और जो आपकी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग इस बात पर जितना जा जा जोर दिया है उन्होंने वो भी अपने आप में एक नजीर और जो पहनावा उनका वो विदेश यात्राओं में भी वही पहनावा पहनने की कोशिश करना और कहना कि ये कंफर्टेबल है दूसरा जो सबसे जो बड़ी बात अभी चर्चा हम लोगों ने नारायण जी कह रहे थे कि वो संचालन करते हुए कि हम अब जबकि भाजपा के अध्यक्ष रहे लंबे समय तक ये कभी नहीं बकसते थे किसी भाजपा के कि वो आदमी गलत कर रहा है शोर कर रहा है बेवजह बीच में बोल रहा है मंत्रियों को भी टोकना तो उन्होंने संसद की गरिमा बढ़ाई और उनका कार्यकाल मुझे लग रहा है पाँच साल के कार्यकाल में ऐसा कोई विवाद छोटे मोटे विवाद तो होते ही रहते हैं लेकिन जो याद रखने योग्य ऐसा कोई विवाद उन्होंने मतलब ये एक अच्छा कार्यकाल पूरा करके और वो अब आज के चुनाव के बाद वो ठीक से चैन से निवृत्त होंगे The last five years, the tenure of the outgoing Vice President of India and Rajya Sabha Chairman MNK Naidu. And his uh, stature is uh, such that the day his candidature was announced, it was very clear that he is going to be the winner and he is going to be the <laughs> next uh, Vice President of India. And he has brought a lot of seriousness into the Rajya Sabha. Every day he tells members, please come on time come well prepared, don't disturb others, sit in your own seat and participate in all kind of discussions. And as it was mentioned earlier, he used to give a lot of emphasis for members to speak in their own mother tongue. He used to say, be proud of your mother tongue, speak in your own mother tongue. And he made a lot of elaborate plans for members to speak in their mother tongue. And he also told people that please respect the rules. Do not disturb the house. Do not bring uh, placards and do not uh, all the time try to disrupt other members from speaking. Because we have been elected to come here and speak on behalf of the people and work for the people. So that he kept on uh, reminding that political reasons, political mood, etc. Everything is different. The election and whatever. Everything is after that is over and people have come to the Rajya Sabha or Lok Sabha. There people are supposed to work for the. People of the country, the aspirations of the people have to be brought to the house. Discussions have to focus on the aspirations of the people and how to develop the country. So, though that is a very important contribution, like uh, our Prime Minister Narendra Modi also keeps uh, telling every time that we have to keep in mind the interests of the people when we come into with the uh, parliament and keep aside all political differences. The same thing was stressed by Venkyaji and I think to a large extent he has brought in a lot of uh, seriousness and the quality of uh, discussions have improved because of his uh, insistence that all issues centric to the people should be discussed and many a times i have seen him telling cabinet ministers that this is a very important issue you should immediately take action even though that issue might have been raised by a opposition member or member of a smaller party that does not ma matter at all Take to, on that issue and बिल्कुल. Okay. तो बिल्कुल उनका कार्यकाल अपने आप में नजीर है जब हम उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की बात करते हैं और जाहिर तौर पर जो भी नए उपराष्ट्रपति होंगे जिनके नाम का ऐलान अब से कुछ देर बाद होगा उनके लिए एक बड़ी लेगेसी है पिछले उपराष्ट्रपति के जो काम रहे हैं उसे आगे बढ़ाने के जब मैं भाषा के प्रयोग की बात कर रही थी विशाल और मनोज जी ये आंकड़ा कुछ पुराना है 2020 का इस आंकड़े में जो कि राज्यसभा सचिवालय का ही आंकड़ा है उन्नीस में राज्यसभा के गठन के बाद हम देखें तो जितनी बार क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग हुआ है जी। वो 500 गुना से भी ज्यादा बढ़ा है तो इस तरह का जो जोर उन्होंने खासतौर से भाषा को लेके दिया और गंभीर मसलों पर गंभीर बातें जब वो छात्रों चा, के बीच भी रहे तो व्यंग जो उनका रहता था हल्के अंदाज में भी बड़ी बड़ी गंभीर बातें कह जाना वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं याद किया जाएगा निश्चित रूप से अभी ये जैसे आप आ, कह रही हैं कि जो अभी जो नया उप नए उपराष्ट्रपति दो तीन घंटे में तय हो जाएगा उनके लिए ये बड़ी समस्या होगी कि वेंकैया जी ने जो तर, लाइन खींच दी है उसको छोटा करना या उससे बराबरी करना चूँकि हम लोग एक स्वाभाविक रूप से मान के चल रहे थे कि वो राष्ट्रपति के उम्मीदवार भी हो सकते हैं हो सकता है भाजपा में चला भी हो और लोग कहते हैं कि चला भी चर्चा भी हुई कोई राजनीतिक समीकरण चूँकि वेंकैया जी ने हर तरह से अपने को लगातार चूँकि लंबे समय तक वो दिल्ली की राजनीति में भी रहे मुझे याद है कि जब शहरी विकास मंत्री थे तो प्रधानमंत्री के साथ मंच पे थे तो प्रधानमंत्री के जब भाषण करने की बारी आई तो उन्होंने ये कई नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड कहा कि हमारे यहाँ के कई शहरों को हमसे ज्यादा बढ़िया से, से हुँ हुँ ही जानते हैं तो ये इनकी बड़ी भारी खासियत थी और बहुत सारी चीजें उनके गुण और याद किए जाएंगे जैसे डॉक्टर राधा कृष्णन और बाकी लोगों के लिए राजेंद्र प्रसाद और पुराने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए चर्चाएं लोग करते हैं वैसे बनेंगे राम नारायण जी अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें और काम की बात करें क्योंकि उपराष्ट्रपति के दो जिम्मेदारियां हैं एक उपराष्ट्रपति के तौर पर देश के उपराष्ट्रपति के तौर पर और एक राज्यसभा के सभापति के तौर पर तो पिछले पाँच साल का कार्यकाल जब देखें और खास तौर पर ऐसे समय पर जब विपक्ष जो है जो निचला सदन है यानी कि जो लोकसभा है उसमें उसकी संख्या बहुत घट चुकी हो और उसको अपनी बात कहने का शायद मौका जो है ऊपरी सदन में यानी कि राज्यसभा में वो मौका ढूंढ रहा हो तलाश रहा हो और वैसे समय पे वाद विवाद और डिस्टरबेंस जिसको डिस्ट्रप्शन कहा जाए उसके भी वाकई कई होते हैं लेकिन उस सब के दौरान पिछले पाँच साल में जिस तरह से उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी का जो कार्यकाल रहा उस दौरान किस तरह से आप उसको एसेस करेंगे देखिए बैंके ये ने जो कि उपराष्ट्रपति का सबसे बड़ा रोजमर्रा का काम होता वो होता है राज्यसभा के पदेन सभापति के नाते उसका संचालन करना तो उन्होंने अपने जो उनकी अपने पैनल के लोग थे वो भी और वो खुद भी और कुछ जैसे वो केवल एक मुखर रहे वो केवल एक घंटे एक के लिए हाउस नहीं चलाने नहीं आते थे एक घंटे हाउस चलाया कुछ तरह वापस चले चलाया काम का था उनका वो पूरे समय सक्रिय रहते थे चेयर पर बैठे हों या अपने चैंबर में बैठे हों दोनों जगह वो एक्टिव रहते थे कई मुद्दों पर उन्होंने फैसले लिए हैं कई सांसदों के निलंबन का मामला आया कई सांसदों के पार्टी बदलने का मामला आया एल के टूट का मामला आया कई से उन्होंने अपने डायरेक्शन दिए उन्होंने सो मोटिव उन्होंने डायरेक्शन लिए उन्होंने ये नहीं कि इंतजार करना किसी के उसका उन्होंने नों लिए उन्होंने क्योंकि वो संसदीय प्रक्रिया को संसदीय प्रणाली को मजबूत करने में विश्वास रखते थे वो राजनीतिक दलों को संसदीय नियम प्रक्रियाओं के अनुसार चलने के लिए बाध्य करते थे वो सांसदों को नियम और कानून के अनुसार सदन में आचरण करने के लिए बाध्य करते थे और इसके लिए खुद भी एक्टिव रहते थे सांसदों को बताना राजनीतिक दलों को बताना विभिन्न दलों के भिप को बताना सब को एक्टिव रहते थे तो उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी उन्होंने अपना एक जो अलग छवि बनाई जो सभापति की बनाई है वो पिछले सभापतियों की तुलना में काफ़ी अलग थी वो केवल एक सौ पीस बनकर नहीं रहे एक उपराष्ट्रपति हैं इसलिए वो पदेन सभापति होता इसलिए है नहीं वो एक्टिव वो एक्टिव सभापति रहे जिस तरह लोकसभा के चेयरमैन की, की भूमिका होती है उससे कहीं ज्यादा एक्टिव भूमिका में वेंकैया जी देखे तो एक बहुत बड़ी बात है ये आने वाले सभी जो सभापति बने जो उपराष्ट्रपति हैं उनके लिए भी एक बड़ी नजीर होगी जिस जिसपे उनको काम करना होगा जी सो सो एन एक्टिव रोल टू बी प्लेड एज And when can I do? Uh, the outgoing vice president has played as uh, the chairman of Rajya Sabha. We are keeping a uh, close watch on all the developments, vis-a-vis uh, the vice presidential election. And in a short while, uh, the counting of votes will also begin. But uh, we'll take a short break. We'll come back to you with all the updates and details, as well, on the counting process and what follows afterwards. Stay tuned. <laughs>